हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ हेल्दी क्रंची इन चॉकलेटी चोकोस को बनाने की रेसिपी को शेयर कर रही हूँ। इन्हें आप जब मन चाहे बना सकते हैं फ्रेंड्स, और ये बहुत ही क्रंची बन करके तैयार होते हैं। आप इन्हें बना करके एक महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। बच्चों को ये चोकोस काफ़ी पसंद आते हैं, तो आप इन्हें दूध में मिला करके दे सकते हैं, चाहे तो उन्हें ऐसे ही दे सकते हैं। इनको हेल्दी बनाने के लिए फ्रेंड्स, आज हम किसी भी तरीके का मैदे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और आज मैं आपको दो ऐसे मेथड बताऊंगी जिनसे आप बिना ओवन के भी इन्हें घर में आसानी से तैयार कर सकते हैं। साथ ही डिफरेंट शेप्स का बनाने के लिए भी हम कोई भी कटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो चोकोस बनाने के लिए फ्रेंड्स, हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और उसके ऊपर हम एक छन्नी रखेंगे। अब हम इसके अंदर आधा कप डालेंगे गेहूं का आटा, जिससे हम रोटी बनाते हैं, जिससे कि हमारे चोकोस काफ़ी हेल्दी तैयार होंगे। साथ ही इसके अंदर हम 1/4 कप डालेंगे सूजी, जिसे सेमोलिना कहते हैं। आपके पास बारीक वाली सूजी हो तो आप वो ले लीजिएगा, नहीं तो नॉर्मल भी ले सकते हैं। अब हम इसके अंदर 1/4 कप डालेंगे पिसी हुई चीनी का पाउडर। इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आ जाए उसके लिए मैं 2 टेबलस्पून भर करके मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। साथ ही इन चोकोस में थोड़ा क्रंचीनेस ज़्यादा आए उसके लिए मैं यहाँ पर 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ कॉर्नफ्लावर, जिसे कॉर्नस्टार्च भी कहते हैं। आपके पास ये ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और साथ ही 1/8 टीस्पून डालेंगे हम बेकिंग सोडा। हमारे ये चॉकलेटी चोकोस हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर 2 टेबलस्पून भर करके कोको पाउडर डाल रही हूँ। और अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से छान लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोको पाउडर ना हो तो आप घर में भी इसे तैयार कर सकते हैं, वो भी बिना किसी कोको बीन्स के। उसका मेथड मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, आप उसे ज़रूर देखिएगा। अब हम इसे एक स्पून से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, मैंने सारे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे साइड में रख देते हैं और आगे की तैयारी करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और उसके अंदर हम डालेंगे 1/2 कप पानी, और अब हम इस पानी को अच्छे से बॉईल करेंगे। जैसे ही पानी में बॉईल आ जाएगा, हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर करके बटर डाल देंगे। आपके पास बटर ना हो तो आप देसी घी भी इसमें डाल सकते हैं। ऑयल आप इसमें नहीं यूज़ कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हम बच्चों के लिए बना रहे हैं। जैसे ही पानी में बॉईल आएगा, बटर जो है अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। अब हम इस गर्म पानी को ही अपने इस मिक्सचर में ऐड करेंगे। ध्यान रखिएगा, आपको ये पानी बिल्कुल गर्म गर्म ही ऐड करना है। ऐसा करने से हमारे जो चोकोस है वो काफ़ी क्रंची तैयार होंगे। अब क्योंकि ये मिक्सचर गर्म है, तो आप इसे स्पैचुला से अच्छे से मिक्स कीजिएगा। हमें इसका एक आटे जैसा डो तैयार करना है, और जैसे ही मिक्सचर थोड़ा ठंडा हो जाए, छूने लायक हो जाए, तो आप इसे हाथों से ही अच्छे से गूंद लीजिएगा। फ्रेंड्स, जो मैंने मेजरमेंट बताया है, उससे आपका परफेक्ट ही आटे जैसा डो तैयार होगा। आपको अगर ये शुरू में थोड़ा पतला लग रहा है, तो आप थोड़ी देर ऐसे ही मलते रहिएगा। सूजी जब पानी एब्जॉर्ब करेगी तो अपने आप थिक हो जाएगा। तो देखिए, मैं हाथों से इसे अच्छे से गूंद रही हूँ। गूंदने के बाद आप इसे इस तरीके से रोल कर दीजिएगा, और अब हम इसी बाउल में इस आटे को फ्रिज में रखेंगे करीबन 1/2 घंटे के लिए। तो मैं इसे अब फ्रिज में रख देती हूँ, बिल्कुल ऐसे ही आप इसे ढक करके रख दीजिएगा। 1/2 घंटे बाद हमारा मिक्सचर जो है वो थोड़ा सा और टाइट हो जाएगा, क्योंकि ये ठंडा हो गया है। अब हम इस मिक्सचर के 4 भाग कर लेंगे, ताकि हमें काम करने में आसानी हो। फ्रेंड्स, आज मैं आपको 2 मेथड बताऊंगी जिससे कि आप आसानी से ये चोकोस बना सकते हो। तो चलिए एक एक करके बनाते हैं। तो मैंने ये पहला एक हिस्सा ले लिया है, अच्छे से इसे मैं हाथों से ही गोल कर लूँगी, और अब हम इसे रोल करेंगे। दोनों हाथों से आप इसे रोल करते जाइएगा। इस तरीके से आपको जितने बड़े चोकोस बनाने हों, आप उस हिसाब से रोल कर लीजिएगा, और बराबर पीसेस में आप इसे चाकू से कट कर लीजिएगा। तो देखिए, इस तरीके से आराम से ये कट हो जाते हैं। तो एक रोल में से जितने पीसेस कट सकते थे, बराबर साइज के मैंने कट कर लिए हैं। अब हम फ्रेंड्स एक नॉन स्टिक पैन लेंगे। आपके पास अगर डोसे बनाने वाला तवा हो तो आप वो ले लीजिएगा, क्योंकि इसका आकार बड़ा होता है, तो जल्दी से हमारे काफ़ी सारे चोकोस बन जाएंगे। हाथों से हम इन्हें इस तरीके से रोल करेंगे, और बस एक फिंगर से हम प्रेस कर देंगे, तो हमारे चोकोस जैसी शेप आ जाएगी। आप एक बार और देख लीजिएगा, बस आपको रोल करना है और फिंगर से प्रेस करना है। आपने देखा, मैंने पैन पर कुछ भी ऑयल या फिर घी नहीं लगाया है, आपको डायरेक्ट इसे ऐसे ही रखना है। देखिए, मैंने ये सारे इस पर रेडी कर लिए हैं। इनको सेकने के लिए फ्रेंड्स, मैंने घर में पुराना तवा लिया है, जिस पर मैं बेकिंग करती हूँ।
इसके ऊपर मैं रेत डाल रही हूँ इस तरीके से। अब हम इस रेत को इस तवे के ऊपर अच्छे से 10 मिनट के लिए प्रीहीट करेंगे। जैसे ही हमारा जो ये रेत है वो गर्म हो जाएगा, हम इस नॉनस्टिक पैन को इस पर इस तरीके से रख देंगे और इसे धीमी आंच पर हम लगभग 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही सिकने देंगे। तो जब तक हमारे वो चोकोस सिक रहे हैं, बेक हो रहे हैं, तब तक हम बाकी के चोकोस को भी बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक और पीस लिया, उसे अच्छे से मैंने देखिए बेल लिया है बटर पेपर और बेलन की मदद से। बटर पेपर से हमारा काम आसान हो जाएगा। और अब हम कोई भी ऐसा एक नोजल ले लेंगे, आपके पास नोजल ना हो तो आप किसी भी चीज़ का शार्प सा ढक्कन या फिर कटर ले लीजिएगा और बराबर के साइजेस को इनसे कट कर लीजिएगा। और एक एक करके अब हम इन्हें उठा करके अपनी एक प्लेट में रख लेंगे इस तरीके से, देखिए। और इस तरीके से आप जिस भी शेप के बनाना चाहें चोकोस बना सकते हैं। ये देखिए हमारे राउंड चोकोस रेडी हो गए। बच्चों को काफ़ी सारी शेप्स के जब आप देंगे इन्हें बना करके तो वो काफ़ी खुश होते हैं, साथ ही उनकी लर्निंग भी हो जाती है। तो यहाँ पर आटे के एक और पीस को मैंने बटर पेपर और बेलन की मदद से रोल कर लिया है और अब हम एक थाली में इसके मून शेप के चोकोस बनाएंगे। तो मैंने फिर से वही कटर लिया है छोटा वाला और इस तरीके से हाफ में मैंने उसको कट किया है। तो हमारा ये मून शेप का चोकोस रेडी हो जाएगा। फिर से हम वहीं पर कट मारेंगे। तो देखिए कितने प्यारे क्यूट से हमारे ये मून शेप के चोकोस रेडी हो रहे हैं। तो आप राउंड, मून, स्क्वायर या फिर ट्राइंगल, जिस भी शेप के चोकोस बनाना चाहें आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ आपको एग्जांपल्स दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से देखिए हमारा काम भी आसान हो जाता है और बहुत सारे चोकोस हमारे कुछ ही मिनटों में रेडी हो जाते हैं। ये देखिए, आप चाहें तो इसमें बच्चों की मदद भी ले सकते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स कोविड की वजह से बच्चे आजकल घर में ही हैं, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, तो अगर आप घर के कामों में इस तरीके की रेसिपीज में उनकी हेल्प लेंगे तो उन्हें भी काफ़ी मज़ा आएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक और पीस लिया है, उसे भी बेल लिया है और अब मैं यहाँ पर स्क्वायर या फिर डायमंड शेप के चोकोस को कट कर लूंगी। आपके पास अगर डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के छोटे छोटे कटर्स हो तो आप उन्हें यूज कर लीजिएगा, नहीं तो किसी भी नोजल या फिर छोटे गोल राउंड ढक्कन से ही आप राउंड और मून शेप के चोकोस बना सकते हैं। आप चाहें तो इन्हें राउंड करके सिंपल बॉल की शेप में चोको लड्डू भी बना सकते हैं। तो देखिए एक स्क्रैपर की मदद से मैंने ये सारे चोकोस इस पर उठा लिए हैं और इन्हें प्लेट पर अब मैं स्प्रेड कर देती हूँ अच्छे से। थोड़ा सा आप इनके बीच में डिस्टेंस रख दीजिएगा ताकि बेकिंग में आसानी हो। तो फ्रेंड्स जब तक हमने इन्हें बनाया तब तक हमारे जो तवे वाले चोकोस थे वो रेडी हो गए हैं। ये देखिए आप इनकी आवाज़ से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी ये बेक हुए हैं, काफ़ी गर्म है तो आपको हल्का इनका टेक्सचर सॉफ्ट लगेगा, लेकिन ठंडा होने के बाद ये आराम से क्रिस्पी हो जाएंगे। तो अब हम इसे ठंडा करते हैं रूम टेम्परेचर पर। और चलिए अब दूसरे मेथड से भी हम अपने चोकोस को बेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने अपना राउंड इलेक्ट्रिक ओवन को पहले ही 180 डिग्री पर प्रीहीट कर लिया है और इसके अंदर अब हम अपनी इन प्लेट्स को रख करके जिनके ऊपर चोकोस हैं उन्हें बेक कर लेंगे लगभग 20 मिनट के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने अपनी प्लेट पर कोई भी ऑयल या बटर नहीं लगाया था, सिंपल से प्लेट में मैंने रखे थे और जैसे ही ये सिके मैंने इसे एक दो बार हिला दिया। ये देखिए ये भी एकदम क्रंची हमारे चोकोस बन करके रेडी हुए हैं, बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। और ऐसे ही मैं बाकी के सारे चोकोस को भी बेक कर लेती हूँ। तो अगर आपके पास ओवन है तो आप उसे 180 डिग्री प्रीहीटेड ओवन में बेक कर लीजिएगा और नहीं तो आप गैस पर तवे के ऊपर रेत रख करके भी, जैसे मैंने बताया डोसा तवा हो तो उस पर बेक कर सकते हैं। तो हमारे जितने भी चोकोस थे वो सारे ठंडे हो गए हैं। अब मैं इन्हें मिला करके एक बाउल में डाल देती हूँ। फ्रेंड्स आप चाहें तो गैस पर कढ़ाई में किसी भी बर्तन में भी पका सकते हैं इन्हें, लेकिन उसमें समय काफ़ी लगेगा क्योंकि एक बार में आप थोड़े ही बना पाएंगे। लेकिन जो मैंने मेथड आपको बताया है डोसे तवे पर, उस पर आप काफ़ी सारे एक साथ चोकोस बना सकते हैं। तो देखिए हमारे हेल्दी क्रंची चॉकलेटी चोकोस बन करके रेडी हैं। यकीन मानिए फ्रेंड्स, जब मैंने बना रही थी तो मुझे ये अंदाज़ा नहीं था ये इतने क्रंची और टेस्टी बनेंगे, पर जब बनकर आए बच्चों को ये काफ़ी पसंद आए और उन्होंने 2 दिन में ये ख़त्म कर डाले। तो आपको इसकी क्रंचीनेस का और अंदाज़ा लग जाए मैं आपको इसे देखिए तोड़ करके दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों कितनी बढ़िया इसमें क्रिस्प आवाज़ आई, बहुत ही क्रंची तैयार हुए हैं। आपको जब इन्हें बच्चों को देना हो आप इस तरीके से बाउल में या फिर कप में डाल दीजिए, हल्का सा उसमें मीठा गरम गरम दूध डाल दीजिए और बस उनका सुबह का ब्रेकफास्ट एकदम रेडी है। जो बच्चे खाना खाने में दिक्कत देते हैं, ब्रेकफास्ट नहीं खाते, उन्हें बस आप गर्म दूध में एक बाउल भर करके इन्हें खिला दीजिएगा, काफ़ी हेल्दी ब्रेकफास्ट उनका हो जाएगा। तो बस फ्रेंड्स देर किस बात की, आई एम श्योर इस रेसिपी से जुड़े सारे इंग्रेडिएंट्स आपके किचन में आसानी से मिल जाएंगे और जो नहीं मिलेंगे जैसे कि कोको पाउडर, उसका सब्स्टिट्यूट मैंने आपको बता ही दिया है, आप उसके लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और इस तरीके से आप इन चोकोस को बना करके किसी भी एयर टाइट जार में या फिर किसी भी बॉटल में बना करके 2 महीने तक ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर स्टोर भी कर सकते हैं।
तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेसिपी आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपको ये यूजफुल हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं फिर मिलूंगी आप सभी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।